हमेशा की तरह इस साल भी नागपुर में बुधवार को आरएसएस ने विजयदशमी मनाई। इस मौके पर पहले शस्त्र पूजा की गई और पहली बार आरएसएस के मंच पर एक महिला संतोष यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। संतोष यादव दो बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला हैं। संतोष यादव के संबोधन के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा नीति और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तल्ख टिप्पणियां की। आइए देखते हैं मोहन भागवत के स्पीच की कुछ झलकियां। कानून नियम तो बने, बाद में भी बने और आज भी बन रहे हैं। समाज में विषमता का निर्मूलन हो और समता को लाया जाए, यह उद्देश्य बताकर, यह उद्देश्य बनाकर भी नियम कानून तो बन रहे हैं, लेकिन विषमता रहती कहाँ है? विषमता तो हमारे आपके मन में रहती है। ऊपर ऊपर का इलाज होने से क्या होगा? अंदर तो नासूर सड़ता रहेगा। और इसलिए मन से उसका निर्मूलन होना चाहिए, समाज मन से विषमता चली जानी चाहिए। उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। मैं और मेरा कुटुंब, इसके मित्र, हमारे आसपास समाज में जितने प्रकार बाकी लोग मानते हैं, जाति मानते होंगे, भाषा मानते होंगे, पंथ संप्रदाय मानते होंगे, सब में मेरे अपने मित्र रहेंगे, जिनका मेरे घर और मेरा उनके घर आना जाना रहता है। सब वर्गों में ऐसे कुटुंब हमारे कुटुंब के मित्र रहेंगे, जिनके यहाँ हमारा आना जाना, उनका हमारे यहाँ आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ऐसे संबंध है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो। ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा। ये हम सबको करना पड़ेगा। आर्थिक उन्नति के लिए भी रोजगार की बात आती है, बहुत सारी बातें चल रही है, स्किल ट्रेनिंग हो रहा है, उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियां आ रही है और हम सब लोग चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो, रोजगार उन्मुख हो, रोजगार बढ़ाने वाली हो, उपभोगवाद रहित हो, शोषण मुक्त हो, पर्यावरण की मित्र हो। सारी दुनिया आजकल ऐसा ही विकास चाहती है, हम भी चाहते हैं, परंतु हमारे जीवन से भोग वृत्ति को हमने निकाल दिया कि हमारे जीवन में संयम है। हम अपने परिवार में रहन सहन में सादगी बरतते हैं, जितना आवश्यक उतना ही खर्चा करते हैं कि अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए लुटाते हैं। हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम इसकी चिंता करते हैं कि नहीं, कि मेरे करने में, मेरे अपने लिए कमाने में किसी का शोषण न हो। योग कर्मसु कौशलम गीता में कहा है और तथागत ने कुशलस्य उपसंपदा कहा है। वो कुशलता ये है, अपना जीवन चलाना, दूसरे किसी के जीवन को हानि बिना पहुंचाए, ये हमारी परंपरा है। क्या हमारे जीवन में वो आई है? बीच में चली गई, हम स्वार्थी बन गए। उस स्वार्थ को अपने मन से हटाकर हमने इस आचरण को अपनाया नहीं तो शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था कहां से आनी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।